गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा, वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। आज हम लोग कुछ बैटरी और सेल के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि बैटरी अगर हम पावर का जनरेशन कर सकते हैं तो कभी ऐसा भी हो सकता है, हालांकि बैटरी उतने हम बड़े लेवल पे यूज़ नहीं करते हैं, बट फिर भी हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ का जनरेशन कर सकते हैं, पावर का जनरेशन कर सकते हैं, उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम कुछ ऐसे एपरेटस बनाएं, कुछ ऐसे उपकरण बनाएं कि उस पावर को हम स्टोर भी कर पाएं। क्योंकि देखिए, पावर को स्टोर करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो पावर को लॉस करती है। तो जब वो पावर लॉस होती है तो उसी सिस्टम में जो भी हमारा सिस्टम होता है, जैसे हम कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो जो भी उसके आर्किटेक्चर वाइज या फिर जो भी उसका बनाने का हम जो एपरेटस यूज़ कर रहे हैं उसमें हम कुछ ऐसा भी यूज़ करें, कुछ ऐसा हम एपरेटस इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जो पावर लॉसेज हो रही है वो उस पावर को स्टोर करें। मतलब वहां पे हम जो सोर्स ऑफ लगाएंगे, जो पावर का सोर्स लगाएंगे, उस पावर के सोर्स से हम उस पावर को स्टोर कर पाए और जब लॉसेस हो जाए हमारा तो वो हम पावर को डिसिपेट करा पाए। तो समय समय पर मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल आगे बढ़ता गया, मतलब इलेक्ट्रिकल में धीरे धीरे हम चीजों की खोज करते गए, तो हमारा सिस्टम कहाँ तक पहुँचा है कि हमें एक ऐसा चाहिए जो थोड़ा मीडियम लोड हो या फिर कम लोड हो, या फिर जहाँ पे कम वोल्ट की ज़रूरत हो, कम वोल्टेज की ज़रूरत हो, वहाँ पर हम लोग पावर को कंटिन्यू रख पाए। मतलब ऐसा ना हो कि अगर किसी रीज़न से पावर कट हो जाए या पावर में लॉसेस ज़्यादा होने लगे तो हम उस सिस्टम को कंटिन्यू ना रख पाए। हम सिस्टम को कंटिन्यू रखने के लिए, सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी डेवलप करने के लिए, हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये इम्पोर्टेंट था कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट का खोज करें जहाँ पे पावर को स्टोर करने की कैपेसिटी हो। तो सब आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो हम पावर को स्टोर कर सकते हैं, बट जो सबसे अच्छा हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट निकल कर आया वो आया हमारा बैटरी। बैटरी से पहले हम सेल बोलेंगे, क्योंकि सेल जो होता है वो कई सेलों के समूह को ही हम बैटरी कहते हैं। कई सारे सेल, मतलब अगर हमारा ये सेल का जैसे हमारा डायग्राम है, ठीक है, तो इसी सेल को हम सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपको पता है कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है, क्योंकि आप रेजिस्टेंस क्या होता है ये आपको पता है। बट एक बात याद रखिएगा कि जब हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि जब हमें करंट इक्वल चाहिए होता है तो हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज में करते हैं, और जब हमें वोल्टेज इक्वल चाहिए होता है तो हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पैरेलल सर्किट में करते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट, अगर हमें वोल्टेज डिवाइड होते हुए चाहिए तो हम सर्किट का कॉम्बिनेशन सीरीज में करेंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट जो होगी वो इक्वल होगी और वोल्टेज हमारा डिवाइड होकर मिलेगा। और अगर जब हमें करंट का डिवाइड होना, करंट डिवाइड होकर के चाहिए होता है तो हम वहाँ पर पैरेलल सर्किट का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज सेम होता है और करंट हमारी डिवाइड होती है। बट जब हम सेल या बैटरी की बात करेंगे तो इसके हम अपोजिट चलेंगे। जैसे वहाँ पर हमें इक्वल करंट के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन, वैसे यहाँ पर इक्वल करंट के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन और इक्वल वोल्टेज के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे बात समझ में? तो ये किसका डायग्राम है? ये हमारा सेल का डायग्राम है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं, करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि कई सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, को बैटरी कहते हैं। देखिए, हम आपको जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपका या तो फर्स्ट ईयर का होगा या सेकेंड ईयर का होगा, बट अभी हम फर्स्ट ईयर का ही सिलेबस लेकर चल रहे हैं। कोई भी चैप्टर हम आपको बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से समझाएंगे, मतलब एकदम उसके नीचे से स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर के बिल्कुल जो भी आपके सिलेबस में हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। क्लियर है? तो आज मैंने आपको बैटरी और सेल स्टार्ट किया है। सबसे पहले आपका जानना ये ज़रूरी है कि हम बैटरी से करते क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें ये रिक्वायरमेंट थी सिस्टम को रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी। अगर कोई भी आपसे ये क्वेश्चन करे कि बताइए बैटरी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो बैटरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि
कोई भी जब हम सिस्टम बना रहे हैं तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी, रियलिबिलिटी, एक्यूरेसी, इन सारी चीज़ों को अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए हमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी या एक ऐसे एपरेटस की ज़रूरत थी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर को स्टोर कर पाए। तो मैंने आपको बताया कि कई सारी चीज़ें हैं हमारे पास पावर को स्टोर करने की, बट उसमें बैटरी जो है वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले बैटरी से पहले हमारा सेल आया और कई सारे सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। ये बात क्लियर है? ये सेल का डायग्राम होता है और ये बैटरी का डायग्राम होता है। आपसे डायग्राम भी आपके होगा ड्राइंग में ऐसे सिंबल्स भी दिए रहते हैं, जब आप ड्राइंग पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर भी होता जाएगा। और जो जो मेन होता है वो जो यूज़ हम करेंगे वो तो हम आपको बता ही देते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1734 में पहली बार बैटरी शब्द का प्रयोग किया। और उन्होंने किस पे किया? एक ग्लास का उनके पास टुकड़ा था, ग्लास मतलब समझे आप लोग कांच, उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1734 में बैटरी शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद जब हम चले तो 1836 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वोल्टा। और वोल्टा ने क्या किया? देखिए, वोल्टा ने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रयोग किया। इलेक्ट्रोलिसिस एक शब्द है, आगे हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होता है। क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी का निर्माण किया जो कुछ समय तक विद्युत प्रदान करने में सक्षम होती। मैंने आपको बताया कि बैटरी क्या करेगी, बैटरी जो कम लोड वाला होगा, लो लोड का होगा। बैटरी का काम क्या है? लो लोड को या लो वोल्टेज पर सप्लाई की कंटिन्यूटी को बनाए रखेगा, मतलब कि वो कंटिन्यूस उसे सप्लाई देता रहेगा, सप्लाई की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, सप्लाई की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर है ये बात? इसके बाद मैंने आपको बताया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1734 में पहली बार बैटरी शब्द का प्रयोग किया था। कितने में किया था? 1734 में पहली बार बैटरी शब्द का प्रयोग किया गया। ये बातें क्लियर है? इसके बाद 1836 में वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होता है वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल का यूज करके या फिर हम कहें कि इलेक्ट्रोकेमिकल से उन्होंने बैटरी का निर्माण किया। इलेक्ट्रोकेमिकल से बैटरी का निर्माण किया। इतनी बात क्लियर है? मतलब दो तीन पॉइंट आपको मिला। सबसे पहला कि डायग्राम, उसके बाद किस लिए हम बैटरी का यूज करते हैं, बैटरी का काम क्या होता है। 1734 में बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने पहली बार बैटरी शब्द का प्रयोग किया था 1836 में। अच्छा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? कांच के टुकड़े पर, पूछा जाता है, याद रखिएगा। 1836 में वोल्टा नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल से बैटरी का निर्माण किया। इलेक्ट्रोकेमिकल अभी हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। और जो सबसे पहली बैटरी बनी थी उसका नाम था डेनियलसन। पहली बैटरी का नाम डेनियल सेल रखा गया।
गया। क्लियर है? पहली बैटरी का निर्माण क्या रखा गया था? डैनियलसन रखा गया था। क्लियर है? अब देखिए तो इसके बाद क्या हुआ कि हमें पहले जो हमने नहीं मतलब वोल्टा ने पहली बार इलेक्ट्रोकेमिकल एक बैटरी बनाई जिसका निर्माण डैनियल सेल रखा। सबसे पहली सेल जो होती है वो डैनियल सेल ही मानी जाती है। इसके बाद समय समय पर मतलब जैसे जैसा थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब सबसे पहली बार कंप्यूटर बना था तो वो पूरे रूम के बराबर एक कंप्यूटर बना था। फिर आज की डेट में सिचुएशन ये है कि हम एक लैपटॉप तक आ गए और उससे भी छोटा कंप्यूटर, उससे भी छोटा हम यूज़ करने लगे हैं। तो वो सारी चीज़ें जब पहली बार बैटरी बनी तो वो डैनियलसन थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, हम उसकी साइज़ छोटी करने लगे, उसमें जो भी हम एडवांसता लाने लगे, मतलब ऐसी चीज़ें डेवलप होती गई। तो कई सारी निर्माण हुआ, जैसे हमारा लैक्लांचर सेल हो गया, वोलेटाइल सेल हो गया, ड्राई सेल हो गया, इसके बाद ये प्राइमरी सेल हो गई। फिर दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। उसके बाद लेड एसिड सेल हो गया, लेड निकल आयरन सेल हो गया, इस टाइप के कई सारे सेल प्रयोग करने लगे, प्रयोग किया जाने लगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए हम ये देखें कि बैटरी, इसके बाद आपको पता है कि मैंने अभी बताया आपको कि सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, थोड़ा ये समझ लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। देखिए हमने सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक था हमारा प्राइमरी सेल, ये क्या था हमारा प्राइमरी सेल, और दूसरा क्या था हमारा सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल क्या हुआ? प्राइमरी सेल उस सेल को कहते हैं जो हम एक बार यूज करते हैं और फेंक देते हैं। जैसे जैसे हमारा टॉर्च में जो सेल लगता है वो हम एक बार यूज करते हैं और फेंक देते हैं। और सेकेंडरी सेल वो सेल हुआ जो बार बार हम चार्ज करते हैं, फिर उसके चार्ज को यूज़ करते हैं, फिर चार्ज करते हैं। जैसे हमारा फ़ोन का बैटरी हो गया, मोबाइल का बैटरी हो गया, लैपटॉप का बैटरी हो गया, ये सब निकल आए, वो सब सेकेंडरी सेल के अंदर आते हैं। तो प्राइमरी सेल क्या हुआ? वो सेल जो चार्जेबल नहीं होते हैं, जो चार्जेबल नहीं होते हैं, जिनका प्रयोग एक ही बार जिनका प्रयोग एक ही बार कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल कहते हैं। एग्जांपल हमारा कौन कौन सा हो गया? देखिए आपके एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि बताइए प्राइमरी और निम्न ऑप्शन में से बताइए कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल कौन सा होता है। तो आपको एटलीस्ट नाम तो पता ही होना चाहिए। जब आपको नाम पता होगा तभी तो आप आगे की वर्किंग पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल हमारा कौन सा हो गया? वोलेटाइल सेल ड्राई सेल लैक्लांचे सेल ये सारे सेल जो होते हैं, और एक्सेट्रा और भी आप कई टाइप के सेल पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में होगा, वो हमारा प्राइमरी सेल हो गया। सेकेंडरी सेल क्या होता है? सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जिनका प्रयोग बार बार कर सकते हैं, जिनका प्रयोग बार बार कर सकते हैं, अर्थात चार्जेबल होते हैं, चार्जेबल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? निकिल आयरन सेल, लेड कैडमियम
कैरिडियम सेल, सीचा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, ये सब ये सारे सेल जो होते हैं उनको सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि प्राइमरी सेल कौन सा होता है और सेकेंडरी सेल क्या होता है। अब देखिए, अब आपको समझना है कि अगर आपके पास एक नॉर्मल बैटरी हो तो आप उसकी डिजाइनिंग किस हिसाब से करते हैं, मतलब कि कैसे करते हैं। एक हम कि यहाँ पे किसी भी हम बैटरी या सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस एक नॉर्मल बैटरी की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपको ये समझना है कि हम कैसे उसका यूज करेंगे। आप देखिए, जो भी हमारे पास जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा के रासायनिक यानी कि केमिकल इफेक्ट की खोज बैटरी करती क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बैटरी करती क्या है, बैटरी का काम क्या है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। किसको? केमिकल एनर्जी को। तो जो विद्युत धारा का मतलब कि करंट का जो रासायनिक प्रभाव था यानी कि जो केमिकल इफेक्ट था, उसकी खोज माइकल फैराडे ने 1934 में की थी। इतनी बात क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट की खोज 1934 में माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम है। माइकल फैराडे ने की थी। केमिकल इफेक्ट आप लोग समझ गए, बैटरी क्या करेगी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। और ये खोजा किसने था, केमिकल इफेक्ट को खोजा किसने था, 1934 में माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे खोजा था। अब देखिए, हम एक नॉर्मल आपके सामने बस ऐसे ही डिजाइन कर रहे हैं, आप उसको समझिएगा और इसी पैटर्न पे हमारी सारी सेल और बैटरी बनेंगी। क्लियर है? देखिए, ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये जो है वो आपके पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर। अब ये कंटेनर जो है ना, देखिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट कई टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस जो अपने ही आयनों में टूट जाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे हमारे पास NaCl हो गया, CuSO4 हो गया, H2SO4 हो गया, H2O हो गया, ये सारे हमारे पास ऐसे हैं जो अपने ही, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये किसमें टूटेगा, Na+Cl- में टूटेगा, ये किसमें टूटेगा, Cu+SO4- में टूटेगा, ये H2+SO4- में टूटेगा, ये H2+O में टूटेगा। मतलब कि ये सारी खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी। तो ये जो आपके सामने एक ये पार आपको ये ग्लास दिख रहा है, ये ग्लास का बना है, किसका बना हुआ है, ग्लास का। इसको हम लोग कहते क्या है, इसको हम लोग कहते हैं वोल्टामीटर। अगर हम इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में बात करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं वोल्टामीटर। क्लियर है? इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। ये ग्लास का बना हुआ है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि ये ग्लास का ही हो, इसमें जब हम कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे तो ये कॉपर का बना होगा। अभी हम आपको कॉपर सल्फेट का विलयन का एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये कॉपर का बना हुआ है। अगर हम इसमें सोडियम क्लोराइड का डालेंगे तब ये हो सकता है कि ग्लास का बना हो, लेकिन इसे चेंज भी होता रहता है क्योंकि ये खुद भी एक इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो ये किसका बना हुआ है, फिलहाल हम कॉपर सल्फेट का इसमें विलयन डालेंगे, इस वजह से ये किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। इसमें दो ये जो आपको प्लेट्स दिख रही हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये दो प्लेट्स आपके सामने दिख रही हैं, ये क्या हमारा एनोड है और ये क्या हमारा कैथोड है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनोड, और ये क्या है हमारा कैथोड, ये क्या हमारा
पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है हमारी नेगेटिव प्लेट है। क्लियर है। अब हम इसमें क्या भर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट भर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट किसका है, CuSO4 का है। ये किसका बना हुआ है, CuSO4, मतलब हम इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डाल रहे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट जैसा कि हमने यूज किया, इलेक्ट्रोलाइट आपके लिए वर्ड नया है, उस वो इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ कि वो आयन, वो जो विद्युत अपघट्य में, ये क्या हमारा, ये विद्युत का अपघट्य, ये जो भरा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य में डालने पर अपने ही आयनों में प्लस माइनस में, अपने ही आवेशों में प्लस माइनस में टूट जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्लियर है। तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट भरा है किसका, CuSO4 का। ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, ये एनोड है और ये कैथोड है। अब देखिए कैथोड एनोड हमेशा, मतलब जनरली अगर हम बात करेंगे तो ये कॉपर की प्लेट होती है। किसकी प्लेट होती है, कॉपर की प्लेट होती है। और ये जनरली अगर हम बात करेंगे तो जिंक की प्लेट होती है। किसकी, जिंक की। सही है, ये कॉपर की प्लेट होती है, जनरली बात करेंगे तो जिंक की ही प्लेट होती है। अब देखिए इसको अगर हम बैटरी से जोड़ते हैं तो यहाँ पर हम एक लगाएंगे एम्पियर मीटर, यहाँ पे एक हमने लगाया एम्पियर मीटर, यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया, आरी बात समझ में, एम्पियर मीटर लगाया और यहाँ पर हमने एक ये स्विच लगाया आपका, जहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकेंगे। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई, बैटरी ऐसे, ये माइनस और ये प्लस। इसके बाद यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, बैटरी लगाई और एक रेजिस्टेंस लगाया, और इसको हम यहाँ पर ले आ करके किस पे, कैथोड पर कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। जब हम इसको विद्युत धारा से जोड़ेंगे, मतलब कि करंट से जोड़ेंगे, देखिएगा ध्यान से सुनेगा, इसमें काम कैसे होगा। इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया जो अपने ही आयनों में टूट जाए वो इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो बाहर का पार्ट है इसको हम लोग वोल्टामीटर कहते हैं। ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड और एनोड किस एलिमेंट का बना होता है, ये बैटरी के हिसाब से, सेल के हिसाब से चेंज होता रहता है, बट यहाँ पर हमने कॉपर का बनाया और यहाँ पर जिंक का बना। और नॉर्मली कॉपर और जिंक ही आप आगे पढ़ेंगे, बट चेंज भी होता रहता है। जब हमने इसको विद्युत धारा कनेक्ट किया तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव से, मतलब कि कैथोड से, नेगेटिव साइड से निकलकर ही कैथोड एनोड के साइड जाने लगे और वहां से, और इस एनोड से होते हुए ये इलेक्ट्रोलाइट में आने लगे। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट में ये जो कॉपर की प्लेट है ये धीरे धीरे पिघलती जाती है और अपना सारा कॉपर इसको दे देती है, मतलब ये टूट जाता है। कैसे टूटता है, ये CuSO4 है तो ये टूटेगा Cu+SO4-। सही है, ये इस पार्ट में टूट जाएगा। और ये हमारा, या फिर H2O होगा तो ये किस में टूटेगा, H+O2 में टूटेगा। तो ये हमारा प्लस हो गया और ये हमारा माइनस हो गया। इस तरह ये अपने आयनों में टूट जाएंगे और तब तक हम विद्युत धारा को नहीं हटाते हैं जब तक ये कॉपर सल्फेट के मिलियन में कॉपर पूरी तरह से मिल नहीं जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। मतलब आज मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल बैटरी या सेल के अगर हम डिजाइनिंग करेंगे तो किस तरह से करेंगे। आगे आप कई टाइप्स के पढ़ेंगे, जब आप टाइप पढ़ेंगे तो ये सारे मटेरियल चेंज होते रहते हैं। कोई किसी का ये इलेक्ट्रोलाइट चेंज होगा, प्लेट्स चेंज होगी, ये सारी चीज़ें, आयनों में विभक्त होना, अपने अपने आयन्स में वो किस तरह टूटेंगे, वो सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। लेकिन एक नॉर्मल अगर हम सेल की बात करें तो उसकी डिजाइनिंग और उसकी वर्किंग ऐसी ही होती है। आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।